हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो मॉर्निंग से ही शुरू हो गई है, तो अभी लाइट थोड़ी देर पहले ही आई है, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ही आती है। तो दीदी पशुओं को नहला रही हैं, मैं ऊपर का काम कर रही हूँ, आज मेरा व्रत है। तो जल्दी जल्दी मैंने सारा काम निपटा लिया था अपना, मेरा सारा काम हो चुका है, कपड़े भी धुल गए हैं, आज सवेरे ही धो दिए मैंने कपड़े, कल के भी हो रहे थे। और बस मुझे अभी नहाना है और पूजा करनी है, ये काम बाकी रह गया है। और तो मेरा जो मॉर्निंग का काम होता है वो सारा ही फिनिश हो चुका, अभी बस पूजा करने के बाद फिर दोपहर का खाना बनाने की तैयारी करनी है। दीदी इनके साथ में हेल्प करा देंगे नीचे। देख लो भाई बच्चों के काम कहाँ चढ़ रही है स्लैब पे, देख लो। तो देखिए जिया का क्या हाल है, आज जिया ने भी व्रत रखा हिरस में, सारे बच्चों ने तोड़ दिया, पर यही रह रही है अभी और कह रही है कि अब मैं क्या खाऊँ, इसे भूख लग रही थी। तो मैंने कहा बस अभी बहुत हो चुका व्रत, अब खाना खा लो, दोपहर का खाना भी बन चुका था, मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। तो बच्चों ने खा लिया और ने बस यही रह रही थी, ये कह रही थी कि मैं तो शाम को खाऊंगी, पर इसके बस की बात नहीं है रहना। आज इन्हें चारों बच्चों को ही शौक लग रहा था व्रत रखने का, फिर किसी से भी नहीं रहा गया, तीनों बच्चों ने खोल दिया, पर जिया रह रही थी अभी। अभी जिया भी अपने लिए राशन पानी लेके चली गई है, इसने रोटी तो नहीं ली, इसको तो बस चटपटी चीज़ें चाहिए, नमकीन से तोड़ रही है अपना व्रत। तो दीदी भी अभी दोपहर का काम ख़त्म करने के बाद आ गई थी प्रेस करने के लिए कपड़ों को, 2 दिन के कपड़े पड़े हुए थे, इनको धूप नहीं, जब कपड़ों को धूप नहीं लगती तो इनमें से स्मेल आने लगती है, अभी प्रेस कर देंगे तो फिर नहीं आएगी। सारे बच्चों के कपड़ों को कर दिया है और जिनकी तह लगानी थी तह लगा दी। दीदी के अभी, बड़ी वाली दीदी के अभी धूप में पड़े हुए हैं, उनको बाद में करेंगे। यहाँ पे बच्चों के थे, पापा जी के, मम्मी के, मेरे, दीदी के, इनके थे, भाई साहब के और दीदी के पड़े हुए हैं अभी धूप में, वो गिल्ले थे। आज हल्की हल्की सी धूप निकल ली है, इन पे भी हल्की सी धूप लगाई है पहले, फिर इन पे प्रेस करने लगे, तब तक वो भी सूख जाएंगे, उन पे भी हो जाएगी। फिर बड़ी दीदी बहुत कम प्रेस कराती हैं, बस नए कपड़ों को करा लेती हैं, कहती हैं कि फट जाएंगे, कमज़ोर हो जाते हैं प्रेस करने से, तो बहुत ही कम करवाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मस्त फैमिली व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दिन है संडे, हैप्पी महाशिवरात्रि, आज शिवरात्रि है तो आप सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। बस अभी अभी सोचा, अभी फ़ोन उठाया था, सोचा आप लोग से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता है, काम का टाइम हो जाता है, फिर उस बीच आप लोगों से बातें नहीं हो पाती। 20 जुलाई है तो नहीं, सॉरी 19 जुलाई है, मैं रोज़ भूल जाती हूँ डेट, कभी कुछ बोल देती हूँ, बहुत बार तो मिस्टेक हो जाती है डेट बताने में। आज काफ़ी देर से फ्री हूँ, थोड़ा रेस्ट किया था, वीडियो का काम किया था, कमेंट के रिप्लाई किए और उसके बाद आप लोगों से भी बातें कर रहे हैं। बहुत सारे कपड़े भी थे जो कल धुल नहीं पाए थे, रूम की क्लीनिंग करने के चक्कर में तो कल नहीं धुले थे, फिर आज सुबह सवेरे सवेरे धो दिए थे। नहीं तो मैं 2-2.5 बजे धोती हूँ, पर आज मैंने सुबह जल्दी धो दिए थे, उसके बाद नहा के पूजा कर ली थी। व्रत रखना मुश्किल नहीं है, बस मीठे की वजह से हो जाती है थोड़ी सी। आज तो महसूस नहीं हो रहा व्रत भी है या नहीं, पर कल पता नहीं कैसा होगा, कल भी रहना है, कल सोमवार का रहेगा, कल का पता नहीं। कल के हैप्पी बर्थडे विश, फिर मैं भूल जाती हूँ, तो अभी कर देते हैं बर्थडे विश। हैप्पी बर्थडे रुद्र बेटा, संदीप चौहान जी है, उनके बेटे का बर्थडे है आज 19 जुलाई को। हैप्पी बर्थडे बेटा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, खूब तरक्की करो, हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको सारी खुशी मिले, हर साल आप अपना जन्मदिन बहुत ही खुशी खुशी से सेलिब्रेट करें, यही दुआ करते हैं हम। तो हैप्पी बर्थडे रुद्र बेटा। दूध निकल के आ गया है, आप लोग भी पी लीजिए, देखिए किचन का ताला निकाल लेते हैं, ये लगाना पड़ता है बंदरों की वजह से, बंदर अपने आप ही खोल लेते हैं कुंडी, तो इस वजह से ताला डालना पड़ता है इसमें। वैसे तो बंद नहीं करते हम, चाबी से नहीं लगाते, ऐसे ही डाल देते हैं, तो बंदर इसको फिर खोल नहीं सकते। तो अभी मैं भी दूध लेके आई हूँ, इसको रख देते हैं और काम में लग जाते हैं अपने। दूध निकल के आ गया है ताज़ा ताज़ा, अभी मीठे में आग जलाएंगे, इसको उबाल लेंगे। आज तो काम भी फटाफट से हो रहे हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी अपने काम पे लग जाते हैं, फिर लेट हो जाता है, सब्जी पता नहीं क्या बनेगी, पूछना पड़ेगा मम्मी से। मम्मी अभी दूध निकाल ली है। तोरी को छोंक लगाने की तैयारी, तोरी मैंने काट ली है, छोंक भी बना लिया है
और कुकर रखा हुआ है गैस पे, तो अभी तोरी को छौंक लगा लेते हैं। दूध अभी ऐसे ही रखा हुआ है, अंगीठी में आग जलानी पड़ेगी अभी सब्जी छौंकने के बाद। पहले सब्जी को छौंक लगा लेते हैं, उसके बाद ही देखूँगी दूध का भी। अभी खा रहे हैं फ्रेंड्स हम मखाने, चाय, भूख लग रही थी तो मैंने चाय बनाई थी, आप लोग पी लीजिए, मखाने खा लीजिए। घी में नहीं भुने हैं, ऐसे ही खा रहे हैं, लेट हो रहा था। बिना भुने भी बिना तले भी अच्छे लगते हैं। आज रोज ही लगा है भूख तो तुम्हें। आज रोज नहीं लगती, रोज ही लगा भूख तो तुम्हें। तो सब्जी को छौंक लगाने के बाद फिर मैं चाय पीने लगी थी, बीच में भूख सी लग रही थी तो तब तक दीदी ने आग जला दी थी अंगीठी में। लो आने को हो रहा होगा, थोड़ा ही रखा था मैंने। अद्धी सी ढक दो प्लेट, पता चलता रहेगा। सब्जी बन गई थी, दूध दीदी ने उबाल दिया, जब तक मैं और काम में लग गई थी तब तक दीदी ने दूध उबाल दिया और मैं फिर चाय पीने लगी थी। सब्जी को छौंक लगाने के बाद मन सा कर रहा था, सिर भारी भारी सा हो रहा था व्रत की वजह से, तो अभी वहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा सा हो रहा है उसको उठा दूँगी। वैसे तो शाम का टाइम हो रहा है पर अभी दिन नहीं छिपा तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा के इसको उठा दूँगी, जो कि उपलों की कड़क सी बिखरी पड़ी है। फिर अगर बारिश आ जाती है तो सारे चौक में हो जाती हैं बारिश से, तो इस वजह से हम इसको साथ के साथ ही उठा लेते हैं, फिर नहीं तो फिर सारे चौक में गंदा हो जाता है उससे। ये जो बीच बीच के छोटे छोटे काम होते हैं इनमें भी काफ़ी टाइम चला जाता है, लगता तो ऐसा है कि कुछ काम नहीं पर इन्हें निपटाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। बच्चों को डांस करते देख इनका ही मन करने लगा डांस करने का। टीवी में गाने बज रहे हैं, बच्चों की खूब मस्ती चल रही है इस टाइम पे, तो पूरा फुल है इनका मस्ती भरा मूड। और सारे बेड शीट भी इकट्ठी कर दी और सभी को बोल रहे हैं आप भी नाच लो आप भी नाच लो। मैंने आवाज़ बंद कर रखी है यहाँ पे टीवी की, क्योंकि फिर कॉपीराइट आने का डर रहता है वीडियो में, तो इस वजह से मुझे आवाज़ बंद करनी पड़ी, नहीं तो बहुत ही अच्छे अच्छे गाने आ रहे थे। बच्चे मुझे भी नाचने के लिए बोल रहे हैं और ज़िद कर रहे हैं पूरी, पर मुझसे नहीं हो पा रहा था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की वैसे मेरी वीडियो तो कल से स्टार्ट हो रही है पर एंड में कर रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। कल भी व्रत था मेरा और आज फिर से व्रत है सोमवार का, नहा के पूजा कर ली है तो सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, वीडियो का एंड भी हो जाएगा। रात वीडियो का एंड में कर नहीं पाई क्योंकि व्रत था ना, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत सी हो रही थी, फिर मैं जल्दी लेट गई थी काम निपटा के, उसके बाद फिर वीडियो का एंड नहीं हो पाया, तो मैं अभी नेक्स्ट मॉर्निंग में कर रही हूँ अपनी वीडियो का एंड। और वीडियो मेरी जो भी है थोड़ी बहुत वो कल से ही बन रही है, ज़्यादा नहीं बन पाई, थोड़ी बनी थी कल भी। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं जेठानी को लेके, और जेठानी को लेके ही आते हैं मुझे कमेंट ज़्यादातर, तो पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा लगता रहता है कि जेठानी को ये मान सम्मान नहीं देते और उनसे अलग है। तो देखिए
ये मैं भी जानती हूँ ये पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के वीडियो डालनी होती है, ये नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दो। तो मैं बहुत ही सोच समझ के वीडियो डालती हूँ। कभी कभार मेरा मन हो जाता है कि जैसे हम हैं ऐसे ही दिखाएं अपनी रियल ज़िंदगी, पर उसमें फिर कमेंट आते हैं तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो जैसे कि मेरी जेठानी अभी कल परसों की वीडियो है, वो हाथ पे खाना खाती हैं, उन्हें ऐसी आदत है। अगर हम उन्हें प्लेट में भी देंगे तो वो हाथ पे ही खाती हैं, उन्हें पहले से ही ऐसी आदत पड़ी हुई है। और ज़्यादातर वो नीचे बैठ के ही खाती हैं, नीचे बैठ के तो मैं भी खाती हूँ, मैं भी बहुत कम बैठती हूँ, चारपाई पे नीचे बैठ के खाती हूँ मैं भी, पर ऐसी वीडियो मैंने बहुत ही कम शूट की है अपनी भी। तो जब आप लोग बोल रहे थे अपनी जेठानी को भी लाया करो, तो वो उस टाइम पे नीचे से काम करके आई थी और खाना उन्होंने दोपहर का अपना खाया था लेट, तो मैंने सोचा अभी बना लेते हैं थोड़ी सी वीडियो, नहीं तो फिर से वो नीचे चली जाएंगी। क्योंकि मुझे ये कमेंट आते हैं कि आपकी जेठानी ऊपर का काम नहीं करती, आप ही लगी रहती हो। तो मैंने कई बार शेयर भी किया है वीडियो में, मेरी जेठानी नीचे का काम करती है, मेरी जेठानी भी, मम्मी ये सब इनकी हेल्प कराते हैं, सब मिलजुल के नीचे का निपटा लेते हैं और फिर ऊपर का भी हम मिलजुल के कर लेते हैं, पर ज़्यादातर ऊपर का काम मेरा ही होता है, उनका नीचे का रहता है। तो बस यही वजह है। और वीडियो देखे मैं बनाती हूँ तो इस वजह से मैं ही ज़्यादा आती हूँ वीडियो में। अभी तो फिर भी बहुत खुल गए हैं, आ जाते हैं कैमरे के सामने, नहीं तो पहले पहले हिचकिचाहट होती है, मुझे भी होती थी, पर बहुत आदत पड़ चुकी है अभी हमारी फैमिली को। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे परिवार में किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा रहता है, हम सब मिलजुल के और प्यार से ही रहते हैं। काम करने में तो कोई लड़ाई झगड़ा कभी होता ही नहीं है, सब मिलजुल के काम करते हैं, ये नहीं कि मैं ही अकेली कर रही हूँ, सब मिलजुल के करते हैं। तो और बहुओं का होता ही है थोड़ा ज़्यादा काम, तो वो तो सभी को पता है। वैसे इनकी बड़ी वाली दीदी की हमसे थोड़ा सा कुछ अलग ही है काम। फिर आप लोग बोलोगे कि अपनी जेठानी की बुराई कर रही है, इसमें भी कमेंट आएंगे कुछ लोगों के, कुछ ही लोगों के आते हैं, ज़्यादा नहीं कहूँगी कि सभी के आते हैं, एक दो ही हैं जो जिन्हें लगता है कि अपनी जेठानी के साथ अच्छे से नहीं रहते, वो एक दो ही हैं। बाकी सब जो मेरी वीडियो पूरा देखते हैं, मेरी फैमिली है, उन्हें सब कुछ पता है हमारे बारे में, ये नहीं कि मैं एक दो दिन से ही वीडियो बना रही हूँ, एक साल हो गया है मुझे यहाँ पे, पर फिर भी मैं बहुत ही धीरे धीरे गाड़ी चल रही है मेरी, स्लो स्लो, क्योंकि मैं सच्चाई रियली दिखाती हूँ वीडियो में, कुछ भी फेक वीडियो नहीं होती मेरी। जो भी हमारे घर में हमारी फैमिली है, परिवार वाले हैं, जो भी हमारा काम है, वो सब हम रियली दिखाते हैं, कुछ भी इसमें मैं गलत नहीं बोलती और ना ही झूठ दिखाती हूँ। तो पता नहीं कुछ लोगों को लगता है कि ये झूठ बोलती है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरी फैमिली से भी मिल चुके हो मेरी, अगर ऐसा कुछ होता तो वो नज़र आ जाता। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई है, वीडियो का भी एंड कर लेते हैं। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे कमेंट भी कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, अगर आप लोगों के दिल को थोड़ी सी ठेस पहुँचे तो, अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। वैसे मैं जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उन्हीं को समझा रही हूँ, बाकी फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट कर रही है और सब्सक्राइब भी अब मेरे बढ़ने लगे हैं, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरी वीडियो को प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।